हेलो दोस्तों, अगर आपका कार्य कॉन्क्रीटिंग का है और आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो, लाखों रुपए की बचत करना चाहते हो आपके कार्य में, तो आप इस मशीन को सबसे पहले खरीद लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना रुपए इस मशीन को खरीदने में खर्च करना पड़ेगा। अगर आप नहीं खरीद रहे हो, इसे आप रेंट पर लेना चाहते हो, तो आपको कितना रुपए देना होगा और इस मशीन से कैसे कार्य किया जाता है, तथा साथ साथ आप एक दिन में इस मशीन से कितना कंक्रीट बना सकते हो। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करें इसके मार्केट के प्राइस की, तो यह मार्केट में आपको 25 से 30 लाख रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप इस फ्यूरी मशीन को रेंट पर लेना चाहते हो, तो आपको एक महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए देना होगा। दोस्तों, इसके बाद बात करें इसके कैपेसिटी की, तो यह एक बार में 4 M³ कॉन्क्रीट रेडी करती है, 4 घन मीटर कॉन्क्रीट बनाती है। और दोस्तों, इसमें एरर के चांसेस बिल्कुल नहीं है और कॉन्क्रीट आपका बहुत ही क्वालिटी के साथ बनेगा। एक बार का कॉन्क्रीट आपको 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मटेरियल के सीक्वेंस की, क्योंकि अगर कार्य आप करोगे इस मशीन से, तो आपको मटेरियल का सीक्वेंस भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसके जो ड्रम में सबसे पहले डालना होता है, वह है कोर्स एग्रीगेट, मींस सबसे पहले गिट्टी डाली जाती है। हमारे पास जो कंक्रीट का जो ग्रेड दिया हुआ है M15A, और उसका रेशियो होता है 1:2:4, तो हमने सबसे पहले 4 बकेट क्या डाल दिया है, एग्रीगेट डाल दिया है। उसके बाद हमें 2 बकेट क्या डालना होता है, सैंड डालना होता है। और उसके बाद डालेंगे दोस्तों हम सीमेंट। उसके बाद इसके ड्रम को रोटेट करेंगे कम से कम 3 मिनट तक। 3 मिनट तक रोटेट करने के बाद मिक्स करेंगे वाटर, और वाटर मिक्स करने के बाद फिर उसे रोटेट करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम इसे प्लेसिंग के लिए लेकर जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।